नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी एजमा सेंटर की ओर से। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एलोपेशिया एरेटा टुनकी पे। छोटा छोटा गोल गोल चूल निकल जाता है, हेयर गायब हो जाता है पूरा, और वहाँ एकदम चक चक जैसा हो जाता है। इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो लोग नए बंधु आए हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करने के लिए। आप जितना शेयर करेंगे बहुत लोग जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी जानकारी मिलेगा इसके बारे में, और जो पुराने फ्रेंड्स हैं उनसे उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपना प्यार इसी तरह बरकरार रखिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो ये टाकपो का एलोपेशिया एरेटा जो होता है, ये अलग अलग जगह में छोटे बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है। छोटा छोटा गोल गोल हेयर निकल जाता है एक एक एरिया से, एक 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 लोग में कोई एक जगह भी हो सकता है या तीन चार पांच जगह भी हो सकता है। ऐसे अचानक से हेयर लॉस इतना दूर का निकल गया और वहाँ एकदम चक चक जैसा चिकनाहट जैसा आ गया पूरा। ये लेके लोग बड़ा चिंतित हो जाते हैं, सोचने लगते हैं क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया। और इसके चिकित्सा के लिए बहुत लोग बहुत तरह के उपाय करते हैं, नींबू लगाना, चूना लगाना, कुछ भी लगाना, जो जो बोल दे, क्योंकि अपने समाज में तो जो अपने रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, दोस्त यार हैं, मिलने जुलने वाले लोग हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ सजेशन लेके हरदम तैयार रहते हैं। आपको कोई समस्या हुआ या नहीं हुआ, आप सजेशन मांगो या नहीं मांगो, पब्लिक देखते ही तुरंत सजेशन देना शुरू कर देता है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं अच्छा चलो बाबा से फूंक लगवा देते हैं उससे ठीक हो जाएगा। तो जिनके पास जो सोल्यूशन सामने आता है वो कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका सोल्यूशन जो है वो आईएलएस इंजेक्शंस है। आईएलएस इंजेक्शन छोटे छोटे इंसुलिन सीरिंज से थोड़ा 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 करके स्कैल्प के ठीक नीचे इंजेक्ट कर दिया जाता है आईएलएस सॉल्यूशन। वो इंजेक्ट करने से हर 15-15 दिन में अगर ऐसा इंजेक्शन लेंगे उसमें ये पेनफुल नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि अरे इंजेक्शन माथे में कैसे लेंगे, ऐसा नहीं है। माथे के नीचे निचला स्तर का जो चमड़ा है उसमें वो इंजेक्शन देते हैं और बहुत सिंपल होता है। जैसे डायबिटीज़ के मरीज लोग इंसुलिन सीरिंज से रोज अपने इंसुलिन लेते रहते हैं, तो इतना पतला नीडल होता है, इतना छोटा मामूली सा वो सॉल्यूशन जाता है कि बहुत पेन का कुछ बात होता नहीं है। वो आईएलएस इंजेक्शन अगर 15-15 दिन अंतर दे के 5-7 ऐसा लेंगे तो 3-4 इंजेक्शन लेने के बाद ही वहाँ हेयर ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा। इसका जनरली एटियोलॉजी कुछ कारण ठीक ठाक से पता नहीं है, जनरली ये वायरस की वजह से होता है। और जब ये इंजेक्शन लेंगे और हेयर आना शुरू हो जाए तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरे अब तो मेरा हेयर आने लगा फिर छोड़ दो। ये छोड़ देने से क्या होता है, फिर वापस दोबारा आने का संभावना रहता है। अर्थात ये ट्रीटमेंट लेने का मतलब हुआ कि अंत तक जब तक पूरा ख़त्म नहीं हो जाए तब तक ये इंजेक्शन लेते रहें, जब तक कि पूरा बिल्कुल नॉर्मल हेयर एकदम नहीं आ जाए तब तक। लेकिन इसको विड्रॉ नहीं करना चाहिए। ये बड़ा सिंपल प्रोसीजर, ऑफिस प्रोसीजर है। अपॉइंटमेंट लेके आप आएंगे, 10 मिनट के अंदर इंजेक्शन दे दिया जाएगा, आप अपने नॉर्मल वर्क में वापस जा सकते हैं। इसके लिए कोई डाउन टाइम नहीं रहता है, कुछ भी नहीं। इट्स वेरी सिंपल, वेरी ऑर्डिनरी। एक्सपेंसेस के बारे में, 1000 रुपये कंसल्टेशन फ़ी है और 1500 रुपये इंजेक्शन इंजेक्टेबल चार्जेज होता है। 2500 में ये आप आईएलएस ट्रीटमेंट लेके एक पर सिटिंग का जा सकते हैं। इस तरह का परिसेवा अगर ज़रूरत पड़े तो नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर, 2 अपॉइंटमेंट नंबर है, इसमें कॉल करके आप अपॉइंटमेंट लेके आके ये परिसेवा ले सकते हैं। मैं एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता की ओर से बोल रहा हूँ और इसमें पर्सनली आना पड़ता है। कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास मौलाली मज़ार है और मौलाली मज़ार के और इंटरली सिनेमा हॉल के बीच में एलर्जी एजमा सेंटर, यहाँ मैं अवस्थित हूँ। यहाँ आके आप ये परिसेवा ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी एजमा सेंटर की ओर से।